आपने आरएसएस का जिक्र किया, कुछ दिनों पहले एक दो दिन पहले आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि जो भी इस देश में पैदा हुआ है वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो वो हिंदू है, क्योंकि हम सबके पुरखे साझा हैं, हम सबकी जबान साझा है। कुछ विदेशी आक्रांता आए थे जो लोग बाकी सबके तो पुरखे यहीं के हैं, उन्हीं का धर्मांतरण हुआ गरीबी के चलते, दबाव के चलते, जो भी चलते। इस तरीके के जब बयान आते हैं कि सब हिंदू हैं, एक एक कॉमन अम्ब्रेला वाली बात, या कई लोग उस क्रिटिक को वहाँ तक ले जाते हैं कि साहब अकबर औरंगजेब आपके पुरखे थोड़ी ना, आपके पुरखे तो राम और कृष्ण हैं, इस पर आपको गर्व क्यों नहीं है, या उसको और भी एक एक्सट्रीम रूप पे ले जाते हैं। मोदी सरकार के मंत्री कल बोल रहे थे कि जो भारत माता की जय बोलेगा वही रहेगा, या जो एक देशभक्ति मांगने का सर्टिफिकेट हो गया कि वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलता। देखिए ये ना बड़ा बहुत बहुत मसले वाला काम है सारा ही। अब जैसे उस वाली बात पे ना बोलूँगा कि सारे हिंदू हैं, उसमें ना उदय प्रकाश जी की एक लाइन उसमें बोल दूंगा मैं तो, मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं, वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही। जैसे नाम पढ़ा हिंदू, सिंधु से पढ़ता है ना, अब तो सिंधु हमारे पास है नहीं, तो उन बड़ी प्यारी लाइन है कि भाई पाकिस्तान में सब हिंदू हैं, भारत में सब गंगू हैं, क्योंकि हम गंगा के किनारे के हैं। मैं इतने बेसिक तौर पर बोलूँगा ये, क्योंकि ये शब्द वाली उसमें घुसेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो कहाँ से वर्ड आता है, उसका क्या घटता है, क्या नहीं होता। अब भाई मैं कह रहा हूँ मेरे दादा ने क्या किया, तो मैं कह रहा हूँ कोई नहीं, मेरे पापा कन्वर्ट हुए थे, मैं कह रहा हूँ मैं मुसलमान बन गया, मैं अभी तक आया था एक अलग उससे, मैं बन गया। अब भाई मेरा संविधान जो है मुझे, मैंने जो भी धर्म अभी अपनाया है वो फॉलो करने का वो मौका देता है, तो आप ना मुझे ना अब ज्ञान मत दीजिए कि नहीं नहीं असल में तो तुम हिंदू थे, तो क्या करूँ मैं। आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, मैं मेरा तो ना सवाल वहाँ पे आ जाता है कि आप इस देश को कैसे बनाना चाह रहे हो, आपको ये यूनिफॉर्मिटी से क्या क्रेज है कि सब लोग सेम क्यों दिखें, आपकी क्या दिक्कत है, क्यों आपको ख़राब लगता है कि चार अलग तरह के लोग चलते हुए आ रहे हो, आपको सोच में भी चार अलग सोचनी चाहिए, चार क्या आपको दो ही नहीं चाहिए, आपको तो एक से आपकी बात से हल किसी ऑफ कोई बात बोलता है तो आपको उससे नफरत है, कोई कपड़े अलग पहन ले उससे नफरत है, कोई खाना अलग खा ले उससे नफरत है, कोई कुछ भी कर ले आपको परेशानी है कि मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, ये नहीं वो होते यार। देखिए इनकी ना बातें ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बूढ़ा ताऊ नहीं हो जाता तो अपने गाँवों में होते ना चार पाई डाल के पड़े रहते हैं कि आते जाते हर आदमी से उन्हें दिक्कत है, उनको अपना है कि मेरे हिसाब से चलेगा ये, यहाँ पे ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, जिस तरह से उनको ट्रीट करते हैं मेरा मानना है इनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कि हाँ आता सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, इनको ये बोलो पर काम वही होना चाहिए जो होना चाहिए। तो ये तो इन लोगों का ना ये बैठे हुए हैं आराम से, इनको ना कोई मतलब नहीं है, इनको बल्कि मज़ा ही आता होगा, इनको खबर होती होगी अच्छा इतने मर गए, इनके लिए नंबर है, अच्छा वहाँ पे इतने मर गए अपने इतने बेच दो वहाँ मार दो, इनको समझ में नहीं आता कि सभी इंसान हैं, इधर वाला भी उधर वाला है, तो इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने का ही नहीं है।